एवरी वन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज हो गया है फ्राइडे और आज का ब्लॉग जो है मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। करीबन 4 बज रहे हैं और यूजुअली ऐसा होता है कि मैं मॉर्निंग में ही सारे ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन आज मॉर्निंग से मन नहीं हो रहा था। नोनी भी कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रैंकी रहता है, परेशान करता है, तो उसकी वजह से भी मूड अपसेट हो जाता है। और अगर आप एक मॉम हो तो फिर लाइफ में इस तरह के मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उसकी वजह से कभी हो जाता है, मतलब फ्रस्ट्रेशन सा हो जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें थी और हस्बैंड टूर पे थे इस वजह से, और अभी वो दोपहर में ही पहुँचे हैं तो वो दोनों लोग रेस्ट कर रहे थे। मैं नैप लेके बाहर आ गई हूँ और यहाँ पे सबसे पहले अपने फूलों को देखूँगी। इस टाइम पे इनमें थोड़ी सी धूप आती है, मतलब दिन में 2-2.5 घंटे यहाँ पे मेरे पौधों में अच्छी धूप लग जाती है। तो प्लांट्स देख लिए मैंने बाहर, और यहाँ पे नोनी और उसके पापा भी सो के उठ गए थे। तो उसके पापा जैसे ही सोने के लिए जा रहे थे नोनी उठ गया था, वैसे उनको सोने को नहीं मिल पाया। तो फिलहाल वो नोनी को देखेंगे और अब मैं किचन में आके अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो ये भटकी दाल जो है मैंने धूप ने मैं नहीं सुखाई थी और ये बरसात का टाइम निकल चुका है और अब थोड़ी थोड़ी दालें जो बहुत टाइम से रखी है मेरे पास वो मुझे सुखानी है, और जो मम्मी ने घर से दी थी क्योंकि वो थैले में बंद ही थी, हस्बैंड ने उनको खोल के रखा नहीं था डब्बों में, तो इसीलिए अब उनको धूप में सुखाऊंगी। और आजकल तो धूप इतनी तेज़ हो रही है, बाप रे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है बाहर धूप में जाने से। फ़िलहाल मैंने काफ़ी अच्छे से इनको धूप दिखाई थी 3-4 घंटे, और थोड़ा सा छान भी लिया था, कुछ कंकड़ पत्थर इसमें थे जो वो छान के रख लिए थे। और इन्होंने के पापा जो है फ्रूटी और जूस ये सारी चीज़ें लेके आए थे, तो फिर नोनी ने कहा कि मुझे फ्रिज में रखना है, पहले जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद पीऊँगा, तो खुद ही उठा के उसने वो फ्रिज में भी रख दिए। तो कभी कभी बच्चे इतनी समझदारी वाले काम करते हैं खुद। उसके बाद दोपहर के जो धुले हुए बर्तन थे इनको मैं लगा के रख दूँगी, और साथ ही मैं वाटर बॉटल भी फिल कर दूँगी, इसको रख दूँगी मैं फ्रिज में, क्योंकि अभी फ्रिज में हम लोग नॉर्मल पानी पी रहे थे, लेकिन अब फिर से गर्मी हो गई तो फ्रिज वाला पानी ज़रूरत पड़ ही जाती है उसकी, तो इसलिए वापस से बॉटल फिल करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और जो धुले हुए बर्तन है इसको भी मैं लगा के रख दूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर डिनर की तैयारी करनी होती है, तो बर्तन को प्रॉपर प्लेस में रख दो उसके बाद काम करना बहुत आसान रहता है। और मुझे इसी तरह से अच्छा भी लगता है कि पहले बर्तन रखो उसके बाद फिर बाकी काम स्टार्ट करूँगी। तो ये कैबिनेट्स जो हैं बहुत बड़ी बड़ी हैं और इसमें मेरे सारे बर्तन एक साथ आ जाते हैं। तो इसके बाद जो है चलते हैं डिनर की तैयारी की तरफ। तो यहाँ पे बैंगन 3-4 दिन से रखे हुए थे, संडे को लेके आए थे हम लोग शॉप से, तो फिर ये ना ऐसा होता है रखे रखे इसके बीज पक जाते हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया था, आप देख भी सकते हो। तो मैं सोचा आज इसको बना लेते हैं, और पका हुआ बैंगन फिर ना सब्ज़ी बनाओ तो उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो इसलिए जब बैंगन फ्रेश लेके आओ तभी बनाओ तो अच्छी लगती है। आप देख भी सकते हो यहाँ पे बीज कुछ कुछ काले से हो गए थे, ख़राब तो नहीं हुआ था लेकिन पक गए थे बीज। तो सबसे पहले वो कट कर लिया और उसके बाद चॉपिंग करना स्टार्ट करूँगी। बैंगन की कुछ दूसरी टाइप की रेसिपी मैं ट्राई कर रही हूँ, अलग तरह की सब्ज़ी, काफ़ी अच्छी लगती है और एक दो बार मैं पहले भी बना चुकी हूँ। तो सबसे पहले प्याज यहाँ पे एकदम बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये मेरा अगारो का इलेक्ट्रिक चॉपर है जो मैंने लास्ट ईयर ही लिया था दिवाली के टाइम पे, तो अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप चेकआउट करना। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, कुछ खड़े मसाले साथ में तेज पत्ता और जीरा मैंने डाला है इसमें क्रैकल होने के लिए। उसके बाद मैं इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर लूँगी जिसको मैंने फाइनली चॉप किया था, और अब इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा करके ही डालना है सब्ज़ी में ताकि टेस्ट अच्छा आए, तो प्याज को फ्राई होने में टाइम लगेगा। इस बीच में यहाँ पे फटाफट से टमाटर भी ऐड कर लूँगी। तो ये रेसिपी जो मैं बना रही हूँ ना, तो आप इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा ना डालें तो ही ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैंने बड़े साइज़ का टमाटर डाल दिया था, और फिर बाद में मैं इसमें दही भी ऐड करूँगी जिस वजह से सब्ज़ी थोड़ी सी खट्टी हो गई थी। अगर आपको खट्टी सब्ज़ी पसंद तो बना सकते हो इस तरह से, लेकिन अगर कम खट्टा पसंद करते हो मेरी तरह तो फिर टमाटर कम डालें। तो फिर यहाँ पे प्याज अच्छे से हो गए थे, थोड़ा सा लहसुन जो मैंने कूट के डाला है, उसके बाद मैं रेगुलर मसाले इसमें ऐड करूँगी, हल्दी, धनिया पाउडर और कश्मीरी मिर्च। इसी के साथ मैं आलू भी यहाँ पे ऐड कर दूँगी, और इसको पकाने के लिए सॉल्ट भी ऐड करेंगे। साथ ही मैंने बैंगन भी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और जब तक ये अच्छे से कुक नहीं हो जाते 7-8 मिनट मैं इनको ढक के पकाऊँगी। तो बस यहाँ पे इसको पकने देंगे, और आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लेता है तो इसलिए सॉल्ट ऐड कर दिया था मैंने ताकि वो स्टीम से अच्छे से कुक हो जाए। तो एक तरफ सब्ज़ी बन रही थी, मीनवाइल मैं आटा भी गूंथ के तैयार कर लूँगी, और मेरे पास थोड़ा सा रागी का आटा भी बचा है, मुझे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है इसको, तो काफ़ी पुराना भी हो गया एक्चुअली। तो आटा गूंथूँगी, और इस बीच यहाँ पे जो है मसाले अच्छे से हो गए थे, आलू पक गए थे, तो टमाटर मैंने पेस्ट बना के डाल दिया है उसमें, और उसको भी पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं।
5-6 मिनट में वो भी तैयार हो जाएगा। इस बीच में फटाफट से यहाँ पे आटा गूंदूंगी। रागी का आटा मैं बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती हूँ, सिर्फ 2 या 3 चम्मच, क्योंकि ना हस्बैंड को अच्छी नहीं लगती है ज़्यादा रोटी, मतलब रागी के आटे वाली। थोड़ी सी सख्स भी हो जाती है और दिखने में काली सी भी लगती है ना, तो उनको पसंद नहीं है वैसे भी, तो इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार कर लिया है, इसको रख देंगे रेस्ट पे। इस बीच सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल गए हैं और मसाले में से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे। और अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ, करीबन 2 टीस्पून। तो दही फ्लेम ऑफ करके ही ऐड करेंगे, नहीं तो ये फट सकती है। तो बस इसके बाद फ्लेम ऑन करके इसको कुछ देर तक अच्छे से भून लेंगे मसालों के साथ मिक्स करके चलाते हुए, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और आप चाहो तो ये सब्ज़ी ग्रेवी वाली बना सकते हो, थोड़ा सा पानी और ऐड करके। मैं बहुत ज़्यादा ग्रेवी ऐड नहीं करूँगी, इसलिए थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था ऊपर से। और आलू तो पहले से पके हुए थे, ये 2-4 मिनट मैंने और फ्राई कर लिया था। और बस सबसे लास्ट में गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे और धनिया पाउडर हरा धनिया ऐड करेंगे। और ये आलू बैंगन की टेस्टी सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। इस तरह से नहीं बनाई है आज तक आपने, तो ये सब्ज़ी ट्राई ज़रूर करना, थोड़ा सा डिफरेंट स्वाद आएगा बैंगन में। इस बीच खाना बनाते बनाते ही इतने सारे बर्तन हो जाते हैं शाम को, तो आप देख भी सकते हो यहाँ पे, कभी चाय पानी के, कभी चॉपिंग वाले, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर शाम के बर्तन ऐसे रख दो ना, रात को बहुत सारे हो जाते हैं और ढेर लग जाता है, तो इसलिए शाम के बर्तन मैं शाम को ही निपटा देती हूँ वॉश करके। तो जल्दी से यहाँ पे जो भी बर्तन थे फटाफट मैं वॉश कर लूँगी। बताओ बेटा, कीड़ी आई है? कीड़ी 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 कीड़ी, गुड गुड, बाहर फेंक के आओ। ये हमारी तुलसी जी हैं और अब इसमें प्लांट थोड़े थोड़े बड़े होने लग गए हैं। ये ना धीरे धीरे ही बढ़ती है, मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा था तो मम्मी भी कह रही थी कि धीरे धीरे ही बढ़ती है। बाय। गुड इवनिंग। शाम के 5:30 बज गए हैं, हमारा एसी ठीक करने के लिए आए हैं भैया, और ऊपर का जो पार्ट है ना वो ख़राब हो गया था, तो वो आज लगेगा, आया नहीं था वो पार्ट, तो आज आ गया। और इतनी दिनों से हम लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे और बिना एसी के सोना पड़ रहा था, रात को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, तो फाइनली आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं पूरी रात एसी में सोऊंगी, आज मेरा ऐसा मन कर रहा है। और हस्बैंड जो है टूर पे गए थे, तो वो दोपहर में आए थे, तो इसलिए अभी वो घर पे ही हैं। सब्ज़ी बन गई, आटा भी गूंथ लिया है, बस मुझे अभी चाय बनानी है। उसके बाद कल नोनी की स्कूल में एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी के लिए स्कूल में कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं ना वो लोग, कॉटन मंगाई हुई, तो उससे आइसक्रीम वगैरह बनाने वाले हैं, तो वो लेने के लिए जाना है। मैं किचन से काम करके आई हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है मुझे अभी भी, पता नहीं यहाँ कब मौसम ठीक होगा। और मैं ये देखती हूँ कुछ यूट्यूबर जो हैं, बहुत सारे लोग एकदम तैयार हो के, बन ठन के, अच्छे से हेयर ओपन करके वीडियोज़ बनाते हैं, व्लॉग बनाते हैं। आई डोंट नो कि उनसे कैसे मैनेज हो पाता होगा, मुझसे बिल्कुल भी मैनेज नहीं होता है, मैं कभी भी बाल खुले नहीं करती हूँ। आजकल आपने देखा होगा बरेली में, तो आपने मुझे कभी भी खुले बालों में नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी है। टाइम पे हम अगर इंदौर में होते ना, तो वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। इस टाइम पे अब सुबह शाम तो अच्छा ही हो गया था, मतलब हवा इतनी चलती है ना वहाँ पे, ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती है, बहुत अच्छा रहता है वहाँ का मौसम। हाँ तो खुले बाल कर लो, अच्छे से तैयार भी हो लो तो चलता था, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैं कभी भी, आपने मुझे देखा होगा, सिर्फ टी शर्ट और ट्राउज़र यही सब चीज़ें घर पर पहनती हूँ। कुर्तियाँ इतनी सारी रखी हुई है, लेकिन मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता, मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ, तो जस्ट वीडियो के लिए तैयार हो जाओ, अच्छे से सूट पहन लो, और आप कंफर्टेबल उसमें नहीं फील कर रहे हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना, तो इसलिए मैं जिसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं वो पहनती भी नहीं हूँ, तो इसलिए सादे सिंपल कपड़े। यहाँ पे उनका लैपटॉप रखा है हस्बैंड का, अपना काम कर रहे थे वो, उन्होंने भी छत में भाग गया ऊपर। ये देखते हैं एसी आज हमारा बन जाएगा, उसके बाद फिर अच्छा लगेगा, फिर चाय पियेंगे गर्म गर्म। नीचे उतरो, नीचे उतरो, क्या कर रहे थे आप? उन्हीं छत में आके ना इधर उधर बहुत ज़्यादा शैतानियाँ कर रहा था, तो मैं भी आ गई थी उसको बुलाने के लिए, लेकिन वो माना ही नहीं, फिर वो अपने पापा के साथ ही था ऊपर, तो जब भी उसके पापा घर में होते हैं वो ज़्यादातर पापा के साथ ही रहना पसंद करता है, तो वो यहाँ पर रेलिंग के ऊपर चढ़ के नीचे देखने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है उसके साथ। तो फिलहाल मैं वापस आ गई थी किचन में, मुझे काम करने थे, और यहाँ पे बादाम जो है ना मैं डेली सोख नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो फिर अभी याद आया, चलो मैंने सोचा सोख कर लेते हैं अभी से ही, तो फटाफट बादाम जो है यहाँ पे मैंने सोख करके रख दिए नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए, 2-3 हम लोग खा लेते हैं, और नोनी को भी मैं 2 तो खिलाती ही हूँ, 2 नहीं खाता है तो 1 से भी चली जाता है उसका, तो फिलहाल
यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, मैंने दिया बत्ती कर ली थी और एसी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था, मतलब लग रहा था अभी भी। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे चाय बना लिया अपने लिए और हस्बैंड के लिए, लेकिन हस्बैंड अभी छत में ही थे तो उनको आने में टाइम लगता, तो मैंने चाय पी ली थी क्योंकि मुझे नोनी को होमवर्क भी करवाना था, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। तो फिर फटाफट से यहाँ पे नोनी को होमवर्क करवाऊँगी, दिया बत्ती कर ली थी, सब्ज़ी तो बन ही चुकी थी, आटा भी गूंथा हुआ था, बस रोटी बनानी थी। मैंने सोचा मैं अपना काम निपटा देती हूँ, बाकी एसी का जो भी होगा देख लेंगे। एसी वाले भैया भी परेशान थे, हस्बैंड भी परेशान हो गए थे, करीबन 2-2.5 घंटे हो गए थे उनको ऊपर। और यहाँ पे नोनी को मैं राइटिंग करा रही थी और उनको ना सिर्फ इस तरह से अभी लाइंस वगैरह बनाना ही सिखा रहे हैं, क्योंकि प्ले ग्रुप में हमने उसको एडमिशन किया है और अभी पढ़ाई उस तरह से प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई है। जब वो नर्सरी में जाएगा नेक्स्ट ईयर तभी उसकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। तो एसी वाले चले गए थे और एसी बन नहीं पाया था, तो हस्बैंड भी थोड़ा परेशान थे, आप देख भी सकते हैं उनको देखकर। तो हमें उसके बाद शॉप भी जाना था, हमने सोचा था एसी जल्दी से बना देंगे तो हम टाइम से चले जाएंगे शॉप, लेकिन हो नहीं पाया, काफ़ी लेट हो गया था। और नोनी के स्कूल के लिए एक चीज़ लेनी थी हमें और घर का सामान भी लेना था, तो हमने सोचा अभी चले जाते हैं फटाफट से, वहाँ से आने के बाद फिर मैं रोटियाँ बना लूँगी। और इस टाइम पे तो बाहर घूमने में अच्छा लगता है, आउटिंग अच्छी हो जाती है, घर पे तो रहा ही नहीं जा रहा गर्मी की वजह से। शाम को थोड़ा सा वेदर अच्छा होता है तो बाहर निकल लो, बस ऐसा ही मन कर रहा है। तो आ गए थे हम लोग शॉप में, कुछ एक आध चीज़ें ली घर की और स्कूटी पे राइड करके फिर वापस हम लोग घर आ गए थे फटाफट, करीबन आधे घंटे के अंदर। और आते ही मैं लग गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए, तो फटाफट से यहाँ पे रोटियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी मैं। भी और मैं रोटियां बना रही हूँ, नोनी का टीवी टाइम है अभी और हस्बैंड अपना काम कर रहे हैं ऑफिस का। तो हम लोग आ गए बाहर से, जो 2-3 चीज़ें लेके आनी थी नोनी को स्कूल के लिए, कल एक्टिविटी है तो ये मंगाया था कॉटन, तो ये लेके आए हैं। और मंदिर के लिए मैच बॉक्स ख़त्म हो गया था और एक पैकेट सूजी, मेरे पास सूजी काफ़ी टाइम से रखी थी, मैंने डी मार्ट में ली थी वहाँ से, लेकिन वो ना उसमें स्मेल आने लगी क्योंकि काफ़ी महीने हो गए थे, और सूजी ऐसी चीज़ है जो जल्दी ख़राब हो जाती है, तो फिर इसलिए एक पैकेट सूजी का लिया। और फिर फटाफट आ गए हम लोग, नोनी झूले में बैठने के लिए वो कर रहा था लेकिन झूले अगर सब हट गए, झूले बंद हो गए, तो फिर आ ही गए फटाफट, सिर्फ आधा घंटा लगा था हमको। रोटी बनाते हैं, किचन बहुत फैली हुई है, किचन ठीक करती हूँ मैं। और एसी वाले आए तो थे बनाने के लिए, यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, एसी वाले आए तो थे बनाने के लिए लेकिन पूरे 1.5-2 घंटे लगे हैं उनको बनाने में, और लास्ट में एसी बन भी नहीं पाया। मैं इतना खुश हो रही थी आज एसी में सोएंगे लेकिन एसी बन ही नहीं पाया। तो एक्चुअली वो कह रहे थे उसका जो दूसरा एक और पार्ट है वो भी ख़राब है, तो इस वजह से एसी नहीं बन पाया, वही प्रॉब्लम आ रही है सेम। तो अब उसका दूसरा पार्ट आने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, एक्चुअली ये हमारा वारंटी पीरियड में चल रहा है ना एसी, सिर्फ 1 साल हुआ है, तो इस वजह से हम कंपनी के वारंटी में ही करवा रहे हैं, तो इसलिए टाइम लग रहा है। और अब पता नहीं कितने दिन और वेट करना पड़ेगा, और गर्मी से यहाँ हम लोग परेशान हो जा रहे हैं। तो मतलब वैसे उतनी ज़रूरत नहीं है लेकिन जब बहुत ज़्यादा काम करके, किचन में काम करके थोड़ी देर एसी में बैठूँ तो अच्छा लगता था, लेकिन अभी 10 दिन हो गया ऑलमोस्ट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो नोने के लिए मैंने अलग से आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जो आलू की तरी वाली सब्ज़ी मैं बनाती हूँ बॉईल करके, वो नोने को अच्छी लगती है, तो जल्दी से उसके लिए सब्ज़ी रोटी करके मैंने उसको खिला दिया था। उसके बाद फिर हम अपना डिनर कर लेंगे करीबन 8:30 बजे के आसपास। थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी ले ली थी और बाकी आलू बैंगन की सब्ज़ी, और ये हमारा सिंपल सा डिनर था। तो खाना खाते टाइम हम लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी देखते हुए खाना खाने में मज़ा आता है, लेकिन अब वैसा नहीं हो पाता है जैसा हम पहले करते थे कि अपना फेवरेट कुछ लगा लिया, अब तो सिर्फ नोने के मन का ही चलता है। उसके मन का ना लगाओ ना, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है। तो फिलहाल इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए हैं और करीबन 7:30 बज गए हैं सुबह के। मैं नहा के आ गई हूँ किचन में और फटाफट से लगते हैं किचन के काम में और ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, साथ ही नोने के लिए टिफ़िन बनाऊंगी मैं। तो आज मैं पहली बार बहुत ही अच्छी सी नई रेसिपी मतलब ट्राई करूंगी, और साउथ इंडियन रेसिपी बना रही हूँ मैं आज, तो उसकी तैयारी करेंगे। और उसके बाद जो है ऐसे मैं बता देती हूँ, मैं आज उत्तपम बनाने वाली हूँ। तो मैं सूजी लेके आई थी ना, इसी वजह से लेके आई थी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे उत्तपम बनाना है। मेरे पास सूजी रखी हुई थी लेकिन वो ना ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने डिस्कार्ड कर दी थी, इसलिए नया पैकेट लेके आया। तो यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून मैंने सूजी ले ली है, 2-3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दही लिया। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके इस अच्छा सा बैटर रेडी कर दूँगी।
और सूजी फूलती है, फूलने में टाइम लगती है, तो इसका बैटर जब भी हम बनाते हैं तो रेस्ट पे रखना पड़ता है। तो 10-15 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी रेस्ट पे। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने दिया बत्ती कर ली थी इस बीच की मंदिर में आके, और दूसरी तरफ मैं किचन में आ गई हूँ वापस, और सबसे पहले अपने लिए चाय चढ़ा दूँगी। तो एक तरफ चाय बनती रहेगी और दूसरी तरफ मैं उत्तपम बनाने की तैयारी करूँगी। जो भी सब्ज़ियाँ मुझे इसमें ऐड करनी है सारी निकाल दी हैं, उसके बाद मैं चॉपिंग करना स्टार्ट करूँगी। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने चाय नहीं चढ़ाई थी, यहाँ पे मैंने गर्म पानी करने के लिए रखा है। आजकल हम केटल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसमें ना कुछ कुछ छोटे नीचे से अजीब सा वो हो रहा है, मतलब चूना जैसा जमा हो रहा है, तो फिर वो पीने वाले पानी में भी आ जाता है। तो इसलिए मैं आजकल जो है पैन में ही पीने वाला गर्म पानी कर रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे चढ़ाई है चाय। चाय मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए करूँगी। हस्बैंड को पानी दे दिया था मैंने, गुनगुना पानी। जब भी उनको उठाती हूँ ना, पानी दे के आ जाती हूँ, फिर वो उठ जाते हैं उसके थोड़ी देर बाद। इसके बाद उत्तपम का बैटर चेक कर लेंगे। करीबन 10-15 मिनट तो हो गए थे इसको रेस्ट पे रखे हुए, और सूजी फूल गई थी अच्छे से, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँगी मैं इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए। और जो मैंने सब्ज़ियाँ चॉप की हैं, शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, ये इसमें ऐड कर देंगे। इसमें आप कुछ भी सब्ज़ी ऐड कर सकते हो, गाजर, टमाटर, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐड कर सकते हो। मटर वगैरह अगर हैं तो वो भी ऐड कर लीजिए। तो इसके बाद मैं इसमें काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था बस, और ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया। और इसको मिक्स करके अच्छा सा बैटर रेडी कर लेंगे। पानी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा थिक लग रहा है तो। एक तरफ मेरी चाय भी बन गई थी, यहाँ पे गरम गरम चाय पीते हुए मैं नाश्ता बना लूँगी अपने लिए। और हस्बैंड की आज ना सुबह सुबह ही मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी, करीबन 8 बजे से उनकी मीटिंग थी, तो इसलिए मैंने उनको जल्दी उठाया। वो भी फ्रेशन अप होके बैठ गए थे मीटिंग में। कभी कभी जब उनकी मीटिंग जल्दी शुरू होती है ना, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मुझे घर के काम के साथ साथ नोनी को भी देखना होता है, और जब उसके पापा मीटिंग में होते हैं तो फिर नोनी बार बार पापा के पास ही जाता है। तो मेरे लिए डबल टास्क ये हो जाता है कि नोनी को पापा के पास जाने से भी रोकना है और अपने काम भी निपटाने हैं, तो ये चीज़ हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे आज मैं नॉनस्टिक तवे पे बना रही हूँ उत्तपम, क्योंकि मुझे डर ही ये लग रहा था कि मैं लोहे वाले तवे में बनाऊँ और चिपक ना जाए और खाली में मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो नॉनस्टिक में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चिपक रहा था, लेकिन मैं ठीक ठाक बन गए थे, उतने ज़्यादा मतलब बुरी तरह से नहीं टूटे थे। मैंने लोहे के तवे में भी बना के ट्राई किया और उसके हाल आप देख सकते हो। लोहे के तवे में मैंने बनाया एक उत्तपम और ये पूरी तरह चिपक गया था, तो इसलिए कभी कभी लोहे के तवे में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने सारे उत्तपम ये नॉनस्टिक वाले तवे में ही बनाए। नॉनस्टिक का तवा मैं वैसे बहुत कम यूज़ करती हूँ, और इसकी कोटिंग भी निकल रही है, ख़राब सा भी हो रहा है ये भी। देखना है मुझे कुछ अच्छा सा नॉनस्टिक तवा। फिलहाल ब्रेकफास्ट बना के आ गई हूँ मैं क्लीनिंग करने के लिए। नोनी भी सो के उठ गया था, तो उसको दूध बना के मैंने दे दिया था, और वो आप ही देखना आएगा पापा के पास, वो बार बार पापा के पास ही आ रहा था। मैंने उसे बोला कि मतलब उसको नहलाना था, दूध दूध सब उसने पी लिया था। मैंने सोचा पहले मॉप कर लेती हूँ, उसके बाद ही उसको नहलाऊँगी। तो इस बीच उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया था, फिर मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई। सीधा यहाँ पे नोनी को स्कूल ड्रॉप करके हमने ब्रेकफास्ट किया, और हस्बैंड भी रेडी होके निकल गए थे ऑफिस के लिए। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। 12 बज गए दोपहर के, और सुबह से अब जाके मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, क्योंकि ऐसे भाग दौड़ लगे रहती है ना 12 बजे तक, तो बस बैठने को मिलता ही नहीं है। तो आज भी बैठने को मिला ही नहीं, और ना मैं वीडियो की एडिटिंग कर पाई नोनी के स्कूल जाने के बाद। बहुत सारा मतलब किचन अच्छे से क्लीन किया था, और फिर लंच की तैयारी करनी थी, तो मूली के पत्तों की भुजिया बना रही हूँ मैं। मूली के पत्ते जिस दिन लाओ उसी दिन बनाओ तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा वो ड्राई हो जा रहे हैं। तो सूख गए थे, परसों लिए थे मैंने, तो बहुत मुश्किल से आधे पत्ते छाने हैं मैंने। फिर उसकी भुजिया और दाल बन गई है, चावल बन रहे हैं। हस्बैंड तो ऑफिस चले गए थे, वो लंच करने नहीं आएंगे, तो हम लोग ही लंच करेंगे नोनी और मैं। नोनी का स्कूल में एक्टिविटी डे था, सैटरडे को छुट्टी नहीं होती है, एक्टिविटी कराते हैं, स्टडी भी नहीं होती है, तो एक्टिविटी करवाई थी और अभी लेके आई हूँ उसको। मेरी टी शर्ट मैंने, आपने देखा होगा मॉर्निंग में मैंने दूसरी टी शर्ट पहनी थी, अभी दूसरी पहन ली है, क्योंकि उस वाले में चाय गिर गई थी, तो इसलिए मैंने ये चेंज कर ली। और ये वाली टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत पहले से मतलब पुरानी टी शर्ट, आपने देखा होगा मुझे पहले से पहनते हुए, लेकिन ये वॉश कर करके इतना पतला हो गया ना कपड़ा, लेकिन मुझे इतनी कम्फर्टेबल लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो आज कपड़े भी बहुत सारे थे वॉश करने वाले, वो डाले हुए छत में। और उसके अलावा कल संडे का दिन है, कल भी मुझे बहुत सारे कपड़े वगैरह वॉश करने हैं। गीज़र हमारा अभी तक भी नहीं लग पाया, लेकिन अभी उतनी ज़रूरत नहीं है गीज़र के पानी की, मतलब गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है नहाते टाइम, क्योंकि फिर से अभी गर्मी हो ही रही है, सब जगह पे इतनी धूप आ रही है, और घर पे भी बात की थी पिथौरागढ़ में भी धूप की वजह से गर्मी हो ही रही है, लेकिन वहाँ पर ना हाईवेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, रास्ते बहुत ख़राब है,
न्यूज़ में भी देखा ही होगा आपने, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, बीच में बहुत बारिश हुई थी ना उस वजह से। आप देख भी सकते हो अभी कितनी तेज़ धूप हो रही है, तो ऐसे में ना नोनी को लेने के लिए जाना बड़ा मुश्किल होता है, तो अम्ब्रेला लेके जाती हूँ मैं और धूप में, ताकि उसको भी दिक्कत ना हो मुझे भी दिक्कत ना हो। अभी एक ही फूल खिला हुआ है, दूसरे में कली आ रही है। और सुबह उठ के मैं अपने प्लांट्स देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मेरा डेली रूटीन बन गया है। सुबह उठ के अपने पौधे देख लेती हूँ किसमें फूल आए हैं, और इस वाले में तो मतलब ये वाले फूल एक दो दिन ही रहते हैं, जैसे आज ये खिले हैं ना तो कल तक ये झड़ जाएंगे, और उसके बाद फिर अभी देखो कितनी सारी कलियाँ इसमें आई हुई हैं, तो अगले दिन जब सुबह उठो ना तो नए फूल खिल जाते हैं, अच्छा लगता है। अभी अब टहनियाँ बनने लगी हैं, तो इसमें अब धीरे धीरे फूल आना स्टार्ट होंगे। उसके बाद बरामदे में जो है मुझे थोड़ी बहुत मिट्टी सी दिख रही थी, मैंने सोचा झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे सुबह जब मैं घर में झाड़ू लगाती हूँ तो पूरा गेट से बाहर तक झाड़ू लगा के आती हूँ, लेकिन फिर बार बार अंदर बाहर आना जाना हो जाता है, तो इसलिए थोड़ी बहुत मिट्टी आ जाती है अंदर। तो फिर एक बार दो तीन बार तो मेरा झाड़ू लग ही जाता है यहाँ पे, मुझे अच्छा नहीं लगता घर के बाहर मतलब बरामदे में मिट्टी हो, फिर वो अंदर ही आ जाती है ना, तो इसलिए मैं झाड़ू लगाते रहती हूँ बीच बीच में। धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी, नोनी के लिए मैंने टीवी लगा दी थी ताकि वो टीवी में बैठा रहे और मेरे साथ साथ ना आए, तो फटाफट यहाँ पे जो भी सूखे हुए कपड़े हैं मैं उनको उठा लूँगी, और जो हल्के से गीले रहते हैं तो उनको मैं पलट देती हूँ, तो फिर ऐसे करके वो जल्दी सूख जाते हैं। और लंच करने के बाद मैं सारे कपड़े उठा के ले आती हूँ, क्योंकि बार बार छत में आना ना हो नहीं पाता है पॉसिबल, पैरों में भी दर्द हो जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब थकान सी भी हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे लंच भी बनके तैयार हो गया था, सिंपल सा दाल राइस बनाया था मैंने, और उसमें घर का ये घी जो पिथौरागढ़ से आया था वो ऐड करके फिर वो खिला दिया था नोनी को, और इसके बाद मैंने भी अपना लंच किया। और अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की, तो मॉर्निंग में तो बस जल्दी जल्दी करना पड़ता है आजकल, तो अभी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी स्टोव और कुकटॉप यहाँ पे सोप लगा के, क्योंकि ऐसा होता है ना दोपहर में दाल बॉईल होती है, और जिस दिन दाल बॉईल होती है तो फिर थोड़े बहुत छींटे टाइल्स में और स्टोव तो गंदा हो ही जाता है, तो इसलिए अच्छे से सोप लगा के स्क्रब करके मैं यहाँ पे क्लीनिंग करूँगी दोपहर में, जब तक अच्छे से किचन साफ़ ना करो। और वैसे भी इस टाइम पे इतनी जल्दबाजी नहीं रहती है काम करने की, आराम से मैं टीवी मतलब नोनी तो टीवी देख रहा होता है, आराम से मैं अपना क्लीनिंग कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं अच्छे से एक एक चीज़ स्टोव का एक एक कोना जो है, जो इसके स्विचेस होते हैं तो बहुत ही गंदे होते हैं, तो इसलिए इसमें भी स्क्रब करके अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। जब बहुत ज़्यादा चिकनाई जमी होती है तो मेरा मेटल ब्रश है उससे मैं क्लीन करती हूँ। तो बस यहाँ पे करीबन आधा घंटा मुझे लग गया था सारी चीज़ें क्लीन करने में, और यहाँ पे साफ़ सुथरा और चमकदार किचन देख के कितना अच्छा लगता है, माइंड एकदम पॉजिटिव हो जाता है। तो बस लंच करके हम चले गए थे नैप लेने के लिए, और सोने के बाद फिर जैसे ही मैं बाहर आई तो यहाँ पे देखा, मैं छत में जा रही थी कपड़े उठाने के लिए और देखा मेरा प्लांट यहाँ पे गिरा हुआ है। तो यहाँ पे ना मंकी बहुत आते हैं, कभी कभार आते हैं, वैसे डेली नहीं आते, लेकिन एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मेरे प्लांट्स वो गिरा के गए हैं और मिट्टी गिरा के गए हैं। एक बार पहले भी एक प्लांट किया था, और आज मेरा ये छोटा वाला प्लांट जो है इसमें एक्चुअली फ्लावर आते हैं, और मैं अपने घर से लेके आई थी, और बहुत प्यारे फ्लावर आते हैं इसमें पर्पल कलर के, तो फिर ये बड़े भी होने लगे, अब अच्छे से ग्रो भी हो रहे हैं, लेकिन इस तरह से जब देखो ना तो बड़ा बुरा लगता है, फिर क्या कर सकते हैं हम लोग। हमारी मेहनत पे कोई इस तरह से पानी फेर के चला जाए तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और बहुत बुरा भी लगता है। एक प्लांट तो मेरा टूट भी गया था, उसके बाद जो उसको साफ़ करने में और ठीक करने में मेहनत लगती है वो और ज़्यादा। तो फिर यहाँ पे दोबारा से प्लांट मैंने लगाया, और मिट्टी मिट्टी हो गई थी, और नोनी को साथ में लेके ही काम करना पड़ता है, उसने मुझे देख लिया था मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। जब भी कुछ नया काम करती हूँ तो नोनी वहाँ पे आता ही है ज़रूर, तो उसको रोकना मुश्किल होता है, बस वो कुछ ना कुछ कर ही रहा था और मेरे साथ मेरी हेल्प करने की जगह वो बढ़ा रहा था काम। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने मिट्टी हो रही थी झाड़ू लगाया, उसके बाद पानी से वाइपर मार के साफ़ भी कर दिया, क्योंकि बहुत कीचड़ हो जाता है, दाग धब्बे फिर अंदर आता है मिट्टी उसी के साथ। तो उसके बाद मैं किचन में आई, मैंने सोचा अभी टाइम है, तो यहाँ पे फ्रिज का नीचे वाला जो ये बास्केट होता है बहुत गंदा हो रहा था, इसको अच्छे से मैं निकाल के वॉश कर दूँगी। और उसके बाद ना फ्रिज में स्मेल सी भी आ रही थी, इन दिनों ना आजकल बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई हूँ और अच्छे से क्लीनिंग का टाइम नहीं मिल पाया मुझे फ्रिज ना, तो बहुत ज़्यादा स्मेल सी आ रही थी, मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ चेक करती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने देखा कुछ गिरा हुआ था, खाना गिरा था या पता नहीं कुछ गिरा था, आइसक्रीम वगैरह, उसकी वजह से यहाँ पे स्मेल आ रही थी। तो बस यहाँ पे शेल्फ निकाल के इसको मैं अच्छे से स्क्रब करके वॉश कर लूँगी सोप लगा के, और इसके मैं जो मैट बिछाए हुए हैं फ्रिज के कवर वो भी मैं अच्छे से वॉश करूँगी। होता है ना जब आप कोई चीज़ क्लीन करने जाओ तो सोचते हैं कि चलो ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं, और ऐसा करते करते मैंने फ्रिज के सारे शेल्फ निकाले, सारे ही वॉश किए और अच्छे से मैंने फ्रिज भी क्लीन कर लिया था। और ये कोई मेरा प्लान नहीं था कि मुझे फ्रिज क्लीन करना है करके,
और वैसे भी जब मुझे इस तरह की क्लीनिंग करनी होती है तो फिर मैं मॉर्निंग के टाइम पे ही करती हूँ यूजुअली। लेकिन अभी मुझे फ्रिज गंदा दिख रहा था और जब कोई चीज़ गंदी देखो तो उलझन सी होने लगती है, तो बस इसलिए मैंने अपना फ्रिज क्लीन कर लिया, इसके सारे अटैचमेंट निकाल के वॉश कर दिए थे। फ्रिज को अभी मुझे रीइंस्टॉल करना था तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से इसके अटैचमेंट मैंने टॉवल से ड्राई किए और कुछ देर फ़ैन के नीचे रख दिए थे सूखने के लिए, अच्छे से सूख गए थे। और इसके बाद फिर मैं इसको दोबारा से अटैच कर दूँगी क्योंकि सारा सामान बाहर रखा हुआ था ना कुकटॉप के ऊपर, फिर नॉनी बार बार आके वहाँ पे हाथ लगा रहा था, तो इसलिए जल्दी से यहाँ पे ये ड्राई हो गए थे, मैट भी ड्राई हो गए थे। और मैं इसको जो है फ्रिज को दोबारा से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा फ्रिज एकदम साफ सुथरा और एकदम शाइन कर रहा है। यहाँ पे मैंने डिनर की भी तैयारी कर ली है, सोयाबीन मैंने सोख करके अच्छे से वॉश किया, गुनगुने पानी में नमक डाल के इसको वॉश करती हूँ ताकि इसमें जो भी गंदगी हो वो साफ हो जाए। फ्रिज क्लीन करने में टाइम लग गया तो आज हम लोग ना पार्क नहीं जा रहे, 5:30 हो गया। चाय पीती हूँ पहले और उसके बाद धोनी, अभी टीवी टाइम है, मैं उसकी टीवी अभी बंद करूँगी, चालाकी से बंद करनी पड़ती है। पप्पा क्या चालाकी करती हूँ मैं बताती हूँ आपको, रिमोट मैंने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से स्विच ऑफ कर देती हूँ टीवी और उसे पता भी नहीं चलता, और उसे कह देती हूँ बेटा लाइट चली गई, तो वो मान जाता है आराम से, क्योंकि मुझे पता है उसके सामने मैं अगर टीवी बंद करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा रोएगा, बहुत तमाशा करेगा और उसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि बच्चे ऐसे बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि ये आप एक ट्राई करके देख लो, और बहुत से लोग करते भी होंगे, मैं भी। इतने सारे काम करके ऑलरेडी मैं काफ़ी टायर्ड हो गई थी, तो यहाँ पे जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाई मैंने, चाय पी और उसके बाद जो है खाने में सिंपल सी आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई क्योंकि और कोई सब्ज़ी नहीं थी घर पे। तो चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, होपफुली आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अब तक ले बाय बाय।